मछुआरा जैसे जाल फेंकता है मछली को फंसाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स आपके लिए भी जाल बिछाते हैं। और आज की तारीख में भारत में कोई कानून नहीं है जो इस तरह की ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को ब्राउज करना दंडनीय अपराध बनाता हो। अगर आपको कभी कोई कॉल आता है जो कहता है कि जी मैं लड़कियों को कॉल ऑन करिए, तो ये पहला खतरे का घंटी है। आप उस घंटी को, उस अलार्म को ध्यान से सुनिए और उस कॉल पे मत जाइए। ये केवल मन लुभावने वाले जो ऑफर होते हैं वास्तविक तौर पर मौजूद ही नहीं होते। उनके पीछे उद्देश्य होता है आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने का। हैरेसमेंट, साइबर न्यूसेंस का शिकार अपने आप को महसूस करते हैं तो उसे आप रिपोर्ट करेंगे। विभिन्न प्रकार के स्टेट पुलिस ने अपनी स्टेट वेबसाइट्स पर आपको ये सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बना रखा है cybercrime.gov.in, जिसके माध्यम पर आप जाकर वहां रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 155260। जब आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार बने हैं तब आप तुरंत इस नंबर पर फोन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, हम ट्राई करते हैं कि हर एक वीक आपको एक एक्सपर्ट से रूबरू कराएं ताकि हम उनका जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा पाएं। आज की इस कड़ी में हमने बुलाया है एक ऐसे साइबर लॉ एक्सपर्ट को जिसकी गिनती विश्व के 4 टॉप साइबर लॉ एक्सपर्ट में होती है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो शायद उनसे बढ़िया साइबर लॉ एक्सपर्ट इस देश में किसी को नहीं माना जाता। इनफैक्ट देश की विभिन्न अदालतें जब साइबर लॉ के इश्यू में फंसती है तो वो उन्हें कॉल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर कई राज्य सरकारें उनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखती है। तो आज ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तो स्वागत करते हैं देश के सबसे बड़े साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल सर का। आज वो हमें बताएंगे किस तरीके के ऑनलाइन ओटीपी के, एटीएम के और बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं और किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। इस वीडियो की अगर सबसे खास बात यह है कि वो आज आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाले हैं कि कैसे आप बैंक से, अगर आपका पैसा कुछ गलत तरीके से चला गया है बैंक से, तो वो आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं और बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पूरा पैसा आपके खाते में डाले। तो शायद वो ऐसी बातें, ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो शायद किसी को नहीं ध्यान हो, वो आज हमसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं पवन दुग्गल सर का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम देश के सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और आज की इस कड़ी में हमने बुलाया है साइबर लॉ एक्सपर्ट जो कि आप हैं, और इस पूरे देश में शायद सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो वो आपका आता है सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद आपको, आपके श्रोताओं को किसी बहाने मौका मिल रहा है आपसे रूबरू होने का, आपके श्रोताओं के साथ दो चार बातें करने का। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूंगा जो एक आम जनता की तरफ से आता है, हम सबको पता है कि आजकल हर दूसरे आदमी के पास एक प्रॉब्लम हो रही है कि या तो उसके ओटीपी भेजकर उसे फ्रॉड कर लिया जाता है, या मैट्रिमोनियल स्कैम हो रहे हैं, या कोविड टाइम पे भी इस तरह के स्कैम हुए, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं आजकल क्योंकि साइबर लॉ बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले कॉमन आदमी की बात करूं तो शायद मैं मेरे घर से शुरू करूं तो मेरे पिताजी का भी पहला सवाल ये होता है कि मैं ऐसी क्या चीज करूं या ऐसा क्या प्रिवेंशन करूं कि मेरे पास कोई भी ओटीपी आए या कुछ भी इस तरीके से बैंकिंग संबंधित फ्रॉड हो तो मैं उससे अपने आप को बचा सकूं। तो पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसे सॉल्यूशन बताएं जिससे एक आम आदमी सुरक्षित हो सके इस तरह के ऑनलाइन एटीएम और ओटीपी फ्रॉड से। देखिए, आज की दुनिया, आज का युग बिल्कुल अलग युग है। ये वो युग है जहां पर हम देखते हैं कि डिजिटल डेटा जो है हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तो ये है कि आपका हर वो कदम, हर वो एक्टिविटी, हर वो जो आपने पहल ऑनलाइन कर रखी है उसकी कोई ना कोई कानूनी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस बात को याद रखना है। इसलिए आज समझ लीजिए कि आज साइबर क्राइम चारों ओर फैल गया है और साइबर सुरक्षा में सेंधे रोजमर्रा की दिन भर की एक्टिविटीज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं दायित्व हम पर बनता है कि हम कोशिश करें कि इस तरह के साइबर क्राइम्स की, फ्रॉड्स के, साइबर सुरक्षा में सेंधों के शिकार ना बन सके। और उसके लिए सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। पहला चीज तो हमें करना चाहिए कि हमें इंटरनेट की जो स्वरूप है, उसकी जो रूपरेखा है, उसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है।
तो आप ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो इंटरनेट पे कुछ भी चीज आप करेंगे आप सोच समझ के करेंगे, क्योंकि एक बार आपने इंटरनेट पे कुछ चीज लिख ली तो वो काफी देर तक वहां रहने वाली है, उसको हटा जाना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, वो जानकारी आप साझा कर रहे हैं सारी दुनिया के साथ, साइबर क्रिमिनल्स के साथ, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, उसका दुरुपयोग कहां पर कैसे होने वाला है आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि इंटरनेट केवल एक टूल है हम लोगों के लिए, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की डिजिटल एक्टिविटीज कर सके। इंटरनेट एक स्वयं ध्येय नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। दूसरी बात, इंटरनेट पर कोशिश करें हर चीज के बारे में जो जानकारी आपको मिल रही है उस पर तुरंत विश्वास ना करें। आज युग आ गया है कि हम लोग जो देखते हैं उसको विश्वास कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि आज अधिकांश जानकारी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो केवल फेक न्यूज है, गलत रूमर्स है, गलत जानकारी है और हमको गुमराह करने के लिए डेटा है। इसलिए अगर आपने कोई भी जानकारी को रिलाय करने से पहले उसे इंडिपेंडेंटली कोरोबरेट नहीं किया, सर्च नहीं किया इंटरनेट पर, तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप शिकार बन रहे हैं साइबर क्राइम की। तीसरी बात, आपको याद करना पड़ेगा कि आज भारत में एक नया युग, एक नई क्रांति चल रही है। मैं उसे बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। देखिए, भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपनी जानकारी के बारे में, अपने डेटा के बारे में, चाहे वो पर्सनल जानकारी हो, सोशल जानकारी हो, प्रोफेशनल जानकारी हो। भूल जा रहे हैं कि ये जो डेटा आप उल्टी करते जा रहे हैं ये डिजिटल धूल है जिसका इस्तेमाल करते करते लोग आप तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं आपको कानूनी परिस्थितियों में जकड़ने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश करें हर चीज जानकारी, हर डेटा को इंटरनेट पर प्रकाशित ना करें, ध्यान से सूझबूझ से काम करें। इंटरनेट पर केवल नीड टू नो बेसिस पर जानकारी शेयर करें, यानी कि अगर आपको लगता है कि इसके बगैर दूसरा व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता या ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर मैंने नहीं शेयर करी तो आसमान गिर जाएगी, तब तो आप जानकारी शेयर करें, वरना कृपया ना शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको ड्यू डिलिजेंस, सावधानी अपनी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति, कोई एंटिटी, कोई फोन आपसे आपका ओटीपी मांग ले, आपका पिन मांगे, आपका अकाउंट नंबर डिटेल मांगे, आपका फाइनेंशियल डिटेल्स मांगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगे, तो गांठ बांध लीजिए, आपने वो जानकारी देनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भी कंपनियां हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं वो इंटरनेट पर आपसे जानकारी ऐसे नहीं मांगते हैं, और जो मांगेंगे अगर आपको लगता है शक शुबा है, जब तक आप उसे इंडिपेंडेंटली कोरोबरेट नहीं करें तब तक जानकारी ना दें। बहुत बार क्या होता है कि आज COVID-19 में हम लोगों के जीवन में डर और पैनिक दो अहम हिस्से बन गए। क्यों? हमें डर लगा रहता है भाई कब क्या हो जाने वाला है, पैनिक होता है भाई महामारी फैल रही है, अपने आप को कैसे बचाएं। तो इस डर और पैनिक के माहौल में ये साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करते हैं, आपको एक पैनिक की स्टेट में ले आते हैं कि देखिए तुरंत हमें अपना ओटीपी दीजिए वरना आज शाम तक आपका बंद हो जाएगा अकाउंट, या आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि दुनिया भर में कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, आप अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, आप अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे, पिन नहीं शेयर करेंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप अपने लिए ग्रेट सर्विस करने वाले हैं और साथ ही साथ आप समाज को भी सुरक्षित करने में अपना योगदान देने वाले हैं। समझ लीजिए कि आज अगर हम साइबर सुरक्षा को एक चेन के स्वरूप में देखें तो हम सब उस चेन की छोटी छोटी कड़ियां हैं, और वो चेन उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम ना कर सकें कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमजोर कड़ी बने। इसलिए ये कुछ चुनिंदा चीजों को सावधानी के तौर पर रखें, रोजमर्रा इसको फॉलो करें, तो आप पाएंगे ना केवल आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे, साथ ही साथ पाएंगे कि आप डिजिटल लाइफ में, अपने डिजिटल एक्टिविटीज में जागरूक हो पाएंगे, अपने आप को मदद कर पाएंगे और दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। हवाई जहाज में जाते हैं तो एयर होस्टेस कहती है पहले अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए और उसके बाद किसी और की बांधिए, तो ठीक यही दायित्व आपको इंटरनेट पर भी निभाना है। खुद सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और जितने अपने परिवारजन हैं, मित्रगण हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो सुरक्षित रहें और अपने आप को एक सेफ जोन में लेकर आए। तो सर, आपका मेनली ये कहना है कि अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर किसी को नहीं दें विद रिस्पेक्ट टू ओटीपी या किसी लिंक पे हम क्लिक ना करें
तो हम हर तरह के ऑनलाइन डेटा फ्रॉड से या ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं? काफी हद तक आप बच सकते हैं, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं और पुलिस अधिकारियों से लगभग 20 कदम आगे चलते हैं, इसलिए वो नए नए प्रकार की चीजें, मेथोडोलॉजी, तरीके इजाद करते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सके। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो काफी हद तक आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आपने उस कॉल को मान लिया कि कॉल बैंक से आई है, तब संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे। सर, ना सिर्फ कॉल, आजकल अगर हम जीमेल पे भी जाएंगे तो मुझे भी कई ऐसे ईमेल आते हैं कि आई नीड हेल्प, या मेरे को आप इतने का ट्रांसफर कर दो, या आपके नाम पे गिफ्ट खुला है। तो वो ऐसे ईमेल को कैसे पहचाना जाए कि ऑथेंटिक सोर्स से आए हैं या नहीं आए हैं, जो फिशिंग ऑफ ईमेल होती है? आज अगर COVID-19 के दौर में हम पहला सबसे महत्वपूर्ण साइबर क्राइम देखें जो सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया है, तो वो है फिशिंग। फिशिंग मतलब मछुआरा जैसे जाल फेंकता है मछली को फंसाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स आपके लिए भी जाल बिछाते हैं। अगर आप उस जाल में फंस गए तो आपके पैसे चले जाएंगे, आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। तो आपको फंसाने के, आपको ललसाने के, आपको कहीं ना कहीं टेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपको मेल्स आएंगे, मेल्स में आपको मन लुभावने ऑफर आएंगे कि चलिए जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको निर्णय लिया है कि आपको 50 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। भाई, अपने आप से पूछिए आपका ताल्लुक आरबीआई से क्या है और आरबीआई आपको 50 लाख रुपए क्यों देगा। अगर इस सवाल का जवाब का कोई मीनिंगफुल आंसर आपको मिल जाएगा तब तो समझ आता है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन जब आपको पता लगे कि मेरा ताल्लुक आरबीआई से है ही नहीं, तो इस तरह की मेल्स को आपने तुरंत डिसरिगार्ड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मेल का हेडर आता है उसमें से भी जो व्यक्ति का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है उसी पर चले जाते हैं। तो कि जी फला बैंक से मुझे मेल आई है, उसके पूरे ईमेल आईडी को खोल के भी नहीं देखते भाई ईमेल आईडी कौन सा आ रहा है। आपने कहा कि पंजाब सिंध बैंक से मेल तो आई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो @punjabsindhbank.com नहीं होगा, वो कोई कखगह होगा, कोई और झूठा एड्रेस होगा। उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं उस बैंक के नाम पर, उसकी छवि पर खेलते हुए आपको लालसाहित कर सकें, आपके विश्वास को जीत सकें और उसके तत्पश्चात आपको विवश कर सकें कि आप अपने फाइनेंशियल जानकारी उनके साथ शेयर करें। एक बार आपने जानकारी शेयर कर ली, आपका सारा पैसा निकल जाएगा, आपका उस जितना भी धन पूंजी है वो निकलने की पूरी संभावना है। और एक बार पैसा आपके अकाउंट से चला गया तो संभावित तौर पर वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। अधिकांश केसेस में हम लोग बहुत सफल नहीं हो पाते क्योंकि सिस्टम जैसे बने हुए। हालांकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। 6 जुलाई 2017 की एक नोटिफिकेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपके साथ कोई अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है, जो आपकी नेग्लिजेंस के साथ संपर्क संदर्भ नहीं रखता, तब बैंक की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको आपका सारा पैसा वापस देगा। अगर पैसा नहीं देगा तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन पर शिकायत कर सकते हैं और फिर बैंक को विवश होकर पैसा देना पड़ता है। लेकिन अधिकांश लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो कोशिश करें कि हर कोई जो मेल आए उस पर रिलाय ना करें, उसकी हेडर्स फुटर्स को ध्यान से देखें और हेडर्स फुटर्स के अंदर देख लीजिए उसका डोमेन नेम क्या है, और डोमेन नेम पर जाके एक बार अपने ब्राउजर में सर्च कर लीजिए डोमेन नेम रिजॉल्व कहां हो रहा है, कौन सी वेबसाइट आ रही है। कई बार आपको ऐसी वेबसाइट भी नजर आ जाएगी कि भाई सेम कलर है, सेम पैटर्न है, सेम लोगो है जो हमारे बैंक का है, तब भी आपने देखना है कि डोमेन नेम क्या उसी बैंक का है या नहीं। और अगर आप कोई भी सर्च इंजन पर डालेंगे सर्च करने के लिए कि डोमेन ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं, आपको जानकारी पता लग जाएगी। तो पहली कदम तो यही है कि आपने हेडर फुटर पर ही आपने इस फ्रॉड को पकड़ लिया। दूसरा होता है कि चलिए आप हेडर फुटर पर भूल गए लेकिन कंटेंट पर आप आ गए। कंटेंट में भी आपने पूछना है कि ये सब ये जानकारी मुझसे मांग क्यों रहे, ऐसा क्या हो गया है और ये जानकारी मैं क्यों दूं। अगर इन सवालों का जवाब ना है तो आप कृपया जानकारी नहीं देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बैंक से कॉल आया है तो जो आपके बैंक का फोन नंबर है वहां कॉल कर लीजिए, कॉल सेंटर पर कॉल कर लीजिए, बैंक जाके बात कर लीजिए। लेकिन इस तरह के अनावश्यक लोगों को जानकारी अपने मत दीजिए, क्योंकि देखिए ये लोग तो वो लोग हैं जो दूध की मलाई खाकर डकार मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने पैसे वो लेके जा रहे हैं, आपको कितना नुकसान हो रहा है। तो आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आप इस तरह के फ्रॉड से भी शिकार होने से बच पाएंगे। जी सर, जैसा कि आपने बोला कि जो क्रिमिनल्स हैं आजकल जो साइबर लॉ में, वो पुलिस से 20 गुना आगे चल रहे हैं,
और अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सेक्सटॉर्शन। आजकल एक एक्सटॉर्शन का भी एक नया पार्ट आ गया है सेक्सटॉर्शन। इससे कैसे बचे, क्योंकि आजकल मैंने ऐसे देखा है हर 5-7 में से एक जने को इस तरह की व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ जाती है, वो भले ही इसमें इंडल्ज नहीं हो लेकिन फोटो को इस तरीके से मॉर्फ करके वो यूज करते हैं, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आज भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि सेक्सटॉर्शन अत्यंत ज्यादा प्रचलित साइबर क्राइम हो गया है और उसका एक कारण भी है। देखिए, लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट पर पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट को ढूंढते हैं और आज की तारीख में भारत में कोई कानून नहीं है जो इस तरह की ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को ब्राउज करना दंडनीय अपराध बनाता हो। तो लाजमी सी बात है, आप जानकारी आपको कुछ भी मिलेगी तो आप उस दिशा में साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी कोई कॉल आता है जो कहता है कि जी मैं लड़कियों को कॉल ऑन करिए, तो ये पहला खतरे का घंटी है। आप उस घंटी को सलाम को ध्यान से सुनिए और उस कॉल पे मत जाइए। बहुत बार आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि कोई नग्न लड़की है, कोई न्यूड मॉडल है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, फिर कह रहे हैं ज्यादा अगर लाइव चैट करना चाहते हैं आप फलान लिंक पर क्लिक करिए या अपना वीडियो चैट ऑन करिए। कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप अपना ये वीडियो कॉल ऑन करेंगे तो दूसरे एंड पर ये तमाम सारी आपकी जानकारी को रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि साहब अपने वस्त्र उतार लीजिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कैमरे को लेके जाइए। आपको लगेगा दूसरी ओर भी जो महिला ऐसा काम कर रही है तो चलिए मैं भी अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा दूं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि दूसरी ओर अक्सर लड़की नहीं होती, एक एनिमेटेड जिफ होता है। आपको आभास मिलता है कि शायद लड़की है लेकिन वास्तविक तौर पर ध्यान से देखें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा होता है। और एक बार वो आपके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें वीडियोस ले लेते हैं तो फिर आपको कॉल करते हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो ये आपकी जानकारी हम आपके परिवारजन के साथ, मित्रगण के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपकी आपकी पूरी जो रेपुटेशन है खाक में हो मिल जाएगी। इसलिए अगर आपने एक बार आपने पैसा देना शुरू कर दिया तो आपने कंफर्मेशन दे दी, पहली बात कि आप डरे हुए हैं, दूसरी बात कि आपके पास क्षमता है पैसे देने की, और तीसरी बात कि आपको दोबारा भी तंग किया जा सकता है। तो जब ये तीन सिग्नल एक बार साइबर क्रिमिनल को मिल जाते हैं तो वो लगातार आपको सेक्सटॉर्शन का एक टारगेट बनाता रहता है। तो कोशिश करें, वो कहते हैं सावधानी हो तो सही रहता है। आप सावधान रहेंगे तो इस तरह के सेक्सटॉर्शन के मुकदमों से मामलों से बच पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं सर साइबर बुलिंग की तरफ, स्टॉकिंग की तरफ और हैरेसिंग की तरफ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि सर इस देश में क्या साइबर स्टॉकिंग और हैरेसिंग बढ़ रही है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस पे बचना चाहिए? जिस तरह COVID-19 एक महामारी है, COVID-19 के साथ एक साइबर पैंडेमिक, एक साइबर महामारी भी आ गई है जहां पर विशेष तौर पर वो क्राइम जो व्यक्ति विशेष को टारगेट किए जाते हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो, साइबर हैरेसमेंट हो, ट्रोलिंग हो, साइबर बुलिंग हो। और ये तमाम सारे जो साइबर क्राइम्स हैं COVID-19 के दौर में बहुत ज्यादा फैल गए हैं। आज अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दृष्टिकोण देखें तो आप पाएंगे कि साइबर बुलिंग नंबर वन साइबर क्राइम हो गया है आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन उसको इफेक्टिवली निपटने के लिए हमारा कानून बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। पहली बात तो यह है कि साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के दायरे में अभी तक नहीं लाया गया है। तो अगर आपने उसे एज अ क्राइम कवर नहीं किया गया है तो लोगों के हृदय में जो डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं मौजूद होता। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आपके कुछ ऐसे प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में जिसको आप इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये इतने ज्यादा फैल चुके हैं साइबर क्राइम्स कि पुलिस इनको रजिस्टर ही नहीं करना चाहती। और क्योंकि रजिस्टर नहीं करती तो अक्सर आपको लगता है कि पुलिस थाने क्यों जाया जाए। बहुत बार लोगों को ये भी एक मंशा रहती है कि अगर हम पुलिस के पास चले गए तो शायद पुलिस हमें सबसे ज्यादा तंग करेगी, हैरेस करेगी। लेकिन वो जमाने सब चले गए हैं, आज समय आ गया है कि अगर आप साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, हैरेसमेंट, साइबर न्यूसेंस का शिकार अपने आप को महसूस करते हैं तो उसे आप रिपोर्ट करेंगे। विभिन्न प्रकार के स्टेट पुलिस ने अपनी स्टेट वेबसाइट्स पर आपको ये सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बना रखा है cybercrime.gov.in जिसके माध्यम पर आप जाकर वहां रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संदेश, कुछ भी हो जाए बोलना हमें जरूर है, शिकायत जरूर करनी है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और वो अपनी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज को और ज्यादा मुकम्मल रूप से आपको टारगेट फिरा करता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और एक और कॉमन प्रॉब्लम सर, अक्सर मैसेज आते हैं कि 4 घंटे में 20,000 रुपए कमाए,
डेटा एंट्री करें और हम आपको इतने इतने रुपए देंगे। मैं आपको बताऊं सर, जब से हम ये लीगल चैनल चला रहे हैं 10 में से 8 प्रॉब्लम मेरे पास बच्चों की ये आती है, जहां वो शिकायत करते हैं कि सर पहले हमें डेटा एंट्री के नाम पे कुछ पैसे दिए गए और अब कुछ डिस्प्यूट हुआ तो वो बोलते हैं कि आपने हमसे बॉन्ड भर रखा है, हम आपके खिलाफ ये एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे। अब बीइंग अ लॉयर मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के बॉन्ड लीगल नहीं होंगे, बट एक जो 12th पास बच्चा है या जो कॉलेज में जा रहा है वो इन तरह की जो डेटा फ्रॉड होते हैं उनसे बहुत घबरा जाता है। तो अगर आप इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों को संदेश देना चाहें कि कैसे ऑनलाइन जो डेटा एंट्री जॉब्स होती है उनके फ्रॉड से बचा जाए। देखिए, आज डेटा एंट्री फ्रॉड बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। खबर तो ये भी आई है कि चाइनीज हैकर्स भी अब इसमें सक्रिय हो गए हैं। वो भारत में लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं ताकि आप उनके लिए डेटा एंट्री करें। मसलन कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लगेगा कि आप गंदा काम उनके लिए कर रहे हैं, पैसे वो आपको ले रहे हैं लेकिन आपको कुली का एक स्वरूप दे रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं टारगेट बना रहे हैं साइबर क्राइम का। तो अगर कोई भी मन लुभावना ऑफर आ जाता है, कोई आपको कहता है कि चलिए कुछ घंटे काम कीजिए, 20,000, 30,000, 1,000 रुपए लीजिए, तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है आज के दौर में जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं वहां पर इतने पैसे मुझे क्यों दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सवाल आपके दिमाग में गूंजे तो पहली खतरे की घंटी है कि ये कहीं ना कहीं एक डेटा एंट्री स्कैम है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर आपको नौकरी लेनी है अपने परिवार जनों के साथ, मित्रगण के साथ, अपने जो नोन सर्कल है उनके साथ लीजिए, अच्छी बात है। नहीं फिजिकली कहीं जाके किसी जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहें कि साहब ऐसा मैं तो ऑनलाइन, मुझे मिला जी 4 घंटे काम करिए और मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं जब चीजें बहुत ज्यादा अविश्वसनीय हो जाती है कि ये तो अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन लोगों को लगता है कि चलिए मेरा मुकद्दर बड़ा स्ट्रांग है इसलिए मेरे साथ हो गया है, कभी भी अपने मुकद्दर पर राइड मत करिए। क्यों? क्योंकि ये केवल मन लुभावने वाले जो ऑफर होते हैं वास्तविक तौर पर मौजूद ही नहीं होते, उनके पीछे उद्देश्य होता है आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने का। सो अगेन, फोकस बैक ऑन ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी है। देखिए, आंखें बंद आपकी होंगी तो आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने में कोई भी दिक्कत साइबर क्रिमिनल को नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी आंखें खुली होंगी, आप सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, तो काफी हद तक इस तरह के डेटा एंट्री फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के और उभरते साइबर क्राइम के शिकार होने से अपने आप को बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर आते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट पे, जहां हम बात करते हैं रिड्रेसल की, एक ग्रीवेंस की। सपोज मेरे साथ कोई इस तरह का डेटा फ्रॉड होता है या मेरा कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, मेरे साथ कोई एटीएम का फ्रॉड हो गया, ओटीपी का फ्रॉड हो गया, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि नजदीकी पुलिस थाने में जाऊं। मैं नजदीकी पुलिस थाने में जाता हूं, वहां जब मैं उनसे बात करता हूं तो आयरनी ऑफ द स्टेट इज सर कि मोस्ट ऑफ द थाने वालों को ये नहीं पता होता है कि किस सेक्शन में हमको एफआईआर दर्ज करनी है, और वो यही कहते हैं कि आप एक काम करें, घर बैठ के साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर दें। क्या करना है, कैसे करना है, हमको नहीं आता। मैं अगर उनसे पूछूं सर मेरी क्या रिकवरी होगी, क्या मुझे बैंक वालों को अप्रोच करना है क्या, कोई जवाब उनके पास नहीं होता। आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं सर, मेरे शहर में शायद 1 या 2 पर्सन है अथॉरिटी जिनको इस बारे में पता होगा। तो इसके लिए आप अगर दर्शकों को ये बता सकें कि अगर उनके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो उन्हें क्या क्या स्टेप कहाँ कहाँ और किस लेवल पे लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ साइबर क्राइम हो गया है या आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए, तो जैसे मैंने कहा, आपने चुप नहीं बैठना, उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं। पहला तो आप अपने लोकल थाने में जा सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लोकल थाने में शायद वो आपकी रिपोर्ट लेंगे भी नहीं और आपको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करेंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प ये है कि आप गृह मंत्रालय का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसका नाम है cybercrime.gov.in, वहां पर जाइए और वहां पर ऑनलाइन इसको रिपोर्ट करिए। अलग अलग किस्म के वहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, पहले आपको ओटीपी के माध्यम से रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अकाउंट की, फिर आप उसको दर्ज कर पाएंगे, और जैसे दर्ज कर पाएंगे तो साथ ही साथ आप अपनी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भी जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 155260। जब आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार बने हैं तब आप तुरंत इस नंबर पर फोन कटाएं। क्यों? क्योंकि ये फोन जब आप करेंगे तो नॉर्मल कोई कॉल सेंटर पे फोन नहीं जाएगा, ये फोन पुलिस अधिकारी उठाएंगे। और अगर आप जिस इलाके, जिस राज्य से, सपोजिंग आप राजस्थान से आपने कॉल किया, तो ऑटोमेटिकली ये राजस्थान की स्टेट के नोटेड कंसर्न पुलिस ऑफिसर के यहाँ
ये डाइवर्ट हो जाएगी कॉल, और तुरंत अगर कोई आपका पैसा गया है, आपके अकाउंट से तुरंत पैसा निकला है और आपने इनको रिपोर्ट कर दिया इस हेल्पलाइन पर, तो अगर पैसा पाइपलाइन में होगा तो पाइपलाइन में पैसा रोक देंगे, मतलब आपके पैसे बचा देंगे। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई करोड़ रुपए भारतवासियों को बचाए हैं इस तरह की हेल्पलाइन सर्विसेज के माध्यम से, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली पुलिस की अपनी वेबसाइट है, वहां पर EFIR का प्रावधान है, आप जाकर इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को या डिप्टी कमिश्नर पुलिस को या आपके यहाँ साइबर क्राइम सेल हो तो वहां पर भी ईमेल के माध्यम से उन्हें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आज साइबर क्राइम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, बल्कि मैं कहूँ कि साइबर आज हर चीज में घुस गया है। आज कोई क्राइम लगभग होता ही नहीं है जब तक उसमें साइबर एलिमेंट ना हो, क्यों? क्योंकि लगभग हर क्राइम में आज मोबाइल इन्वॉल्व है, हर क्राइम में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कोई ना कोई इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट जरूर करें, जल्द से जल्द करें, और अगर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है जो अनावश्यक तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं तो उसको रिपोर्ट करने के साथ साथ बैंक को भी आपने रिपोर्ट करना है, लिखित में कहना है कि साहब ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने नहीं किया है, अनावश्यक तरीके से हुआ है और मेरी इजाजत के बगैर हुआ है, लिहाजा मुझे आप जीरो लाइबिलिटी का बेनिफिट दीजिए जो RBI मुझे प्रदान करता है। अगर आपने पहले 72 घंटे में बैंक को ये लिख कर दे दिया तो बैंक का को विवश कर सकते हैं आप, और उन्हें कह सकते हैं कि हमें पैसा दीजिए, और बैंक को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पैसा जो चला गया वो तो कौन आदमी ले गया पता नहीं, लेकिन हाँ बैंक की जिम्मेवारी है कि वो आपके अकाउंट को, आपके प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखे, साइबर सुरक्षा के लेटेस्ट जो प्रकरण है उनको इम्प्लीमेंट करे, और अगर आपकी इजाजत के बगैर या नॉलेज के बगैर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी जिम्मेवारी कानून बैंक को डालता है, और बैंक की जिम्मेवारी होती है आपको पैसा देने के लिए। तो अगर आप ये कुछ विकल्प एक साथ इस्तेमाल करें तो काफी हद तक आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिल सकता है। पर सर, जैसा आपने बोला कि 72 घंटे के अंदर आप लिख दीजिए जीरो लायबिलिटी के लिए बैंक को बोले, और 2017 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैंक लायबल होगी, पर एक सवाल मेरे जो एज अ कॉमन मैन आता है, तो क्या ये बैंक का डिफेंस ये नहीं होगा कि आप लोगों ने इस तरह से अगर OTP बताया है या आपने लिंक क्लिक करी है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए बैंक तो लगभग हर केस में यही स्टैंड लेगा कि साहब मैं तो बिल्कुल क्लीन हूँ, मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मेरी डिफेक्ट नहीं है, जो गड़बड़ की है सो आपने करी है, लिहाजा आप भुगतिए, मैंने तो आपको user ID पासवर्ड दे दिया था, आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, हमारे को कोई लेने देना नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, ये स्टैंड बैंक का होगा। लेकिन RBI कहता है कि बैंक का कोई भी स्टैंड हो, अगर ये ट्रांजेक्शन अनऑथराइज है, आपने नहीं करी, आपकी नेग्लिजेंस से नहीं हुई, तो आप बैंक को जीरो लाइबिलिटी के लिए लिख सकते हैं और बैंक के पास कोई विकल्प नहीं है, आपको तमाम सारे पैसे वापस देगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी गलती से ट्रांजैक्शन हो गया या आपने जानबूझ के कुछ गलत कर दिया, कुछ क्लिक कर दिया और आपकी नेग्लिजेंस से या ओवरसाइट से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, उन केसेस में RBI कहता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तब फिर पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम है तफ्तीश करने में समय बहुत लग जाता है, तब तक पैसे एक अकाउंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे से पहुंच कर बिल्कुल सिस्टम से बाहर निकल जाता है, इसलिए तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आपकी नेग्लिजेंस नहीं है तो 72 घंटे में इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पैसा मांगे, और गलती है देन फिर उसका तो फिर आप पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट कराएं, बेसिकली यही होता है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमें पता लगी। अब हम बढ़ते हैं एक और स्टेप आगे, कुछ यंग स्टूडेंट्स जो चाहते हैं साइबर लॉ में अपना करियर बनाना, और जितना मैंने सुना है सर आप देश की पहली साइबर लॉ यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, तो अगर आप उस बारे में कुछ बता सकें और ये बता सकें कि कैसे एक यंग बच्चा जो लॉ फील्ड में पढ़ रहा है वो साइबर लॉ में अपना करियर बना सके। देखिए आज जो युवा बच्चे पढ़ रहे हैं, आज एक नई जनरेशन के हैं, COVID-19 के बाद लगभग सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, सब कुछ आप गतिविधियां ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि पता होना चाहिए कि आपकी जब ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या कानूनी प्रकरण हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या लीगल एक्सपोजर्स हो सकते हैं। इसलिए साइबर लॉ हम सब की जिंदगी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया है, लेकिन साइबर लॉ अभी भी बहुत टेक्निकल है, और अगर आप इंटरनेट पर पढ़ना भी चाहें कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें आपको परिवेश के तौर पर या जो पर्सपेक्टिव के तौर पर आपको नहीं पता लग पाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गठन किया है, उसका नाम है साइबर लॉ यूनिवर्सिटी। cyberlawuniversity.com एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करते हैं,
छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल पर्यावरण में कुछ काम कर रहे हैं तब आपको ये कोर्सेस करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के कोर्सेस हम ऑफर करते हैं, जिसमें साइबर लॉ के ऊपर कोर्सेस हैं, साइबर क्राइम के ऊपर कोर्सेस हैं, साइबर सुरक्षा पर कोर्सेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोर्सेस हैं, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कोर्सेस हैं। और साथ ही साथ ये कोर्सेस अलग अलग बकेट्स के हैं। कुछ तो कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जैसे हमारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। ये 3 महीने के कोर्सेज हैं। 12 हफ्तों में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल पाएगी कि लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रही है। और क्योंकि ये तमाम सारे कोर्सेज मैंने स्वयं बनाए हैं, मुझे मालूम है आप लोगों के पास समय नहीं है, आज आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, और इसलिए ये कोर्सेज गागर में सागर के स्वरूप में आपको ये तमाम सारी विजडम प्रदान करते हैं, लेटेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेंड प्रदान करते हैं। अगर आपके पास उतना समय ना हो तो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ऑन साइबर लॉ, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के साथ हम लोग ऑफर करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास उतना भी समय ना हो तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हैं, वो 20 से 25 घंटे के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप जब मर्जी करना चाहें कोर्स कर सकें और आपको विभिन्न अपने विषयों पर जानकारी मिल सकती है। और करीबन पिछले 3 सालों में ये कोर्सेज 26,500 छात्र और प्रोफेशनल्स 172 राष्ट्रों से ये कोर्सेज कर चुके हैं और इस कोर्सेज से बेनिफिट ले चुके हैं। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब आपको इंटरेस्ट है तो आप cyberlawuniversity.com पर जाइए, विभिन्न कोर्सेज को देखिए और जो कोर्स आपको लगता है आपके रेलेवेंस के अनुसार है आप उसे करें जरूर। ना केवल ये आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा, प्रैक्टिकल आपको न्यूएंसेस बताएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके आने वाले समय में आपकी जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें भी आपको सहायता प्रदान करेगा। बिल्कुल सर, आज हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन मिली है, सबसे इम्पोर्टेंट वो नोटिफिकेशन आरबीआई का, तो शायद हर एक भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो बैंक से वो जीरो लायबिलिटी क्लेम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर कि आपने आज हमें इतना बेशकीमती समय दिया। हम चाहेंगे आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमें दर्शकों को आपके ज्ञान का लाभ देते रहिए। आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें मौका दिया आपके जो श्रोताओं से अवगत होने का, कुछ हम लोगों ने थॉट्स आपके साथ शेयर करे हैं। तो ये अंत में कहना चाहूंगा कि साइबर लॉ एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फिनोमेनन है। अगर आप 2030 में साइबर लॉ की 100 पन्ने की किताब लिखेंगे तो 2021 में हम अभी 6वें या 7वें पन्ने पर हैं। अगले 90 प्लस जो पेजेस हैं अगले और 9 सालों में रफ्तार से विकसित हो रहा है, इसलिए अपने आप को अवगत कराएं जहां तक हो सके, कानून के भंवर में ना फंस जाएं। और हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हर साल करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, इस साल भी हो रही है 24 से 26 नवंबर 2021 को, और हर साल होती है। तो जब आप हो सके ऑनलाइन ज्वाइन करें इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को, अपने नॉलेज को एनहांस करें और इंटरनेट से घबराएं नहीं, इंटरनेट जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और रहेगा। हम हिमालय जा नहीं सकते, कहीं ना कहीं इंटरनेट की पॉजिटिव नेगेटिव्स को साथ लगातार रूप से बचाना है, सतर्क रखना है और सावधान होते हुए सुरक्षित रखना है अपने आप को, अपने डिजिटल डेटा को और अपने डिजिटल पर्सनालिटी और वर्तमान को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, लोगों की जानकारी बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रिमार्केबल वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, आपसे फिर वापस जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सर।